हेलो दोस्तों दोस्तों बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर शिल्पी राज के ही चर्चे हो रहे हैं। खबरों की माने तो भोजपुरी जगत मशहूर सिंगर शिल्पी राज का MMS जब से लीक हुआ है उन्हें काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है। अगर हम आपको ये बताएं कि शिल्पी राज का ये वीडियो जिसमें वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई दे रही हैं वो उनका नहीं था, तो हाल ही में शिल्पी ने ये बताया कि सोशल मीडिया पर उड़ रही अफवाह की वजह से वो काफ़ी परेशान थी। MMS लीक होने के बाद पहली बार शिल्पी राज ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और इस मामले पर बात की है। दोस्तों हाल ही के दिनों में शिल्पी राज ने एक इंटरव्यू में ये बताया है कि आखिर इस MMS का सच क्या था। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस MMS कांड के बारे में। शिल्पी राज ने अपने इंटरव्यू में कहा, अगर ईमानदारी से कहूँ तो मैंने MMS नहीं देखा, मुझे बताया गया था कि उसमें मेरा नाम लिया गया है। मैं तो ये सोच रही थी कि MMS में दिख रही लड़की है कौन। जब शिल्पी ने ये कहा कि उन्हें नहीं पता कि MMS में वो लड़का कौन है, तो उनसे सवाल किया गया कि आप नहीं जानती कि वो कौन है। इस पर शिल्पी ने कहा, हाँ बिल्कुल, वीडियो में जो लड़की है वो मैं नहीं हूँ। शिल्पी ने इसके आगे कहा, यह मेरे खिलाफ साजिश है, मुझे बदनाम करने की कोशिश है। अक्सर आपने देखा होगा कि इंडस्ट्री में जब भी कोई आगे बढ़ता है तो उसे लोग पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में गलत गलत बातें बोलते हैं, महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है। दोस्तों आप सभी लोगों को मैं ये बता दूँ कि शिल्पी राज ने इस MMS के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल भी किया है। साथ ही शिल्पी ने यह भी कहा है कि बिना सच जाने आप यूं ही किसी का नाम ऐसे किसी आपत्तिजनक वीडियो से जोड़ नहीं सकते, यह बहुत गलत बात होती है। मेरा भी मेरा भाई इस बात को सुनकर काफ़ी परेशान हो गया था, तब जाकर मैंने भाई को सारा माजरा समझाया। दोस्तों आपका क्या कहना है शिल्पी राज के इस बयान पर, मुझे कमेंट करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।